हेलो एवरीवन, ट्रस्टी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक की रीडिंग। चलिए यूनिवर्स बताइए, ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है, मेल फीमेल सबके लिए। आप जब देखोगे वहीं से रेजोनेट करेगा। कैसा रहेगा लव लाइफ और करियर लाइफ, यूनिवर्स बताइए। मैं 5 कार्ड पहले निकालूंगी, देखूंगी रे यूनिवर्स, 5 कार्ड निकालूंगी फिर मैं क्लियर करूंगी। शुरू में 5, 2, 4, 5 मैंने 5 कार्ड निकाल लिया है। बॉटम में 5 ऑफ कप, फिर मैं दिखाऊंगी आपको क्या बात है। 8 ऑफ कप, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कितने निगेटिव कार्ड। मेजर अरकाना का स्ट्रेंथ 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर के 2 कार्ड आ गए। ओ बाबा रे, द डेविल निगेटिव एनर्जी, 2 ऑफ वॉट्स, ये कार्ड काफी निगेटिव आए हैं। मेजर अरकाना का 2 कार्ड, द डेविल और स्ट्रेंथ। मैं कार्ड को अरेंज कर दी बॉटम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 5 ऑफ कप। तो मैं इस कार्ड का मीनिंग अगर बताऊं तो 8 ऑफ कप जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति बताता है। सबसे पहले यही कार्ड आया था। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, जालसाजी सब। स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना का इस विपरीत समय में काफी हिम्मत और साहस की जरूरत है। गॉड को याद कीजिए। द डेविल निगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव है कुछ लोगों के ऊपर। जरूरी नहीं है कि सबके साथ हर चीज रेजोनेट करे, लेकिन कोई कोई चीज करेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब काफी पश्चाताप, अफसोस, काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना होता। अब मैं इन 5 कार्ड को क्लियर करूं। सबसे पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को मैं क्लियर कर रही हूँ। यूनिवर्स बताइए, रीडिंग में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कैसा आया, क्यों आया? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रीडिंग में यूनिवर्स क्यों आया? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया रीडिंग में, मैंने पूछा तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। कप के कार्ड को स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रीडिंग में क्यों आया यूनिवर्स? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इस रीडिंग में क्यों आया? 8 ऑफ वांड्स, यूनिवर्स कहते हैं जो कंफ्यूजन की अवस्था है उसको बुद्धिमानी से सॉल्व करो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। और 7 ऑफ जो स्वॉर्ड्स है, जो चीटिंग, धोखाधड़ी, फरेब है, उसको 8 ऑफ वांड्स ने क्लियर किया कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज आपकी तरफ चलकर आएगा। जो कुछ लोग आपके पीठ पीछे कर रहे थे अब वो खत्म हो जाएगा और पकड़े जाएंगे वो लोग और आपके तरफ गुड न्यूज फास्ट 8 डेज के अंदर ही मिलेगा 8 डेज के अंदर। और स्ट्रेंथ का कार्ड मेजर अरकाना का, उसको 9 ऑफ कप ने क्लियर किया कि काफी हिम्मत और साहस आपने इस विपरीत परिस्थितियों में दिखाया है। काफी हिम्मत और साहस आपने दिखाया है ऐसे विपरीत समय में, तो आपको खुशी मिलेगी। उस समय में आपने हिम्मत नहीं खोया है ना, हिम्मत नहीं हारा, तो आपको खुशी मिलेगी। 9 ऑफ कप की एनर्जी, द डेविल, बहुत लोगों के ऊपर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, बहुत लोगों के ऊपर
लोगों ने कोई ब्लैक मैजिक किया हो या निगेटिव एनर्जी बुरी नजर किसी की लगी हो तो यूनिवर्स द डेविल के कार्ड को भी क्लियर कर दीजिए। तो नाइट ऑफ वांड्स, फास्ट तेजी के साथ आप इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकल जाओगे। नाइट बहुत फास्ट काम करता है। टू ऑफ वांड्स, यूनिवर्स टू ऑफ वांड्स, अफसोस और पश्चाताप का, इस कार्ड को क्लियर कीजिए। तो नाइन ऑफ वांड्स, वांड्स के कार्ड को वांड्स के कार्ड ने क्लियर किया कि अफसोस और पश्चाताप आपको है, आप बहुत डरे और सहमे हुए भी हो। बॉटम में फोर ऑफ स्वार्ड्स, तो ये फोर ऑफ स्वार्ड्स जो है वो रातों की नींद उड़ी है, नींद नहीं आ रही है आपको और आप सोच रहे हो, गॉड से प्रेयर कर रहे हो कि बस अब बहुत हुआ, बहुत बुरे दिन हमने देख लिया है, अब गॉड यूनिवर्स अब अच्छा दिन दिखाइए, और अच्छे दिन के लिए आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हो। तो अब चलिए, कार्ड को बहुत अच्छी तरह अरेंज करना चाहिए, कार्ड के बीच में गायब नहीं होना चाहिए और क्रम से लगाना चाहिए। मेजर अरकाना के दो कार्ड आए, कार्ड गिर गया, मैं उठा लूं। अब मैं अच्छे दिन की शुरुआत, 10 कार्ड तो ऑलरेडी मैं निकाल ही चुकी हूँ। अगर मैं बताऊं कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा तो अच्छा रहेगा, आपका करियर लाइफ कैसा रहेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत लोग ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर हुआ था वो भी हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, निगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। बहुत लोगों के साथ चीटिंग धोखाधड़ी हो रहा था